भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। देश के प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन कार्यक्रम में जो रास्ता दिखाया, देश पिछले कुछ साल से उसी रास्ते पर चल रहा। चाहे आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो, या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण, या फिर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट, या सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार, भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर की मिसाल पेश कर रहे हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह से इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब है सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डाले तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों के पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बड़ा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा बल्कि दुनिया के देशों को ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक, 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। खैर, भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही, तो दूसरी तरफ इस ताकत से दुनिया में भारत की धाक भी जम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।